आज मैं बनाने जा रही हूँ हेल्दी रवा ढोकला। आज के इस ढोकला को हेल्दी बनाने के लिए मैंने इसमें वेजीज ऐड किया है और बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल किया है। यदि आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए आज की हेल्दी रेसिपी शुरू करते हैं। हेल्दी रवा ढोकला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप सूजी लिया है। इसके साथ हम इसमें डाल देंगे नींबू का रस। तो ये मैंने 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस डाला। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो 1 कप सूजी के लिए मैंने यहाँ पर 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी इस्तेमाल किया है। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो पानी की क्वांटिटी बस आप इतनी रखें कि सूजी जो है अच्छे से डूब जाए। तो यहाँ पर 1/2 कप सूजी के लिए मैंने 3/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढक के 20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि सूजी जो है अच्छे से फूल जाए। 10-15 मिनट बाद हम क्या करेंगे कि पानी गर्म करने रखेंगे। तो यहाँ पर पैन में मैंने पानी डाला है। गैस का फ्लेम तेज़ रखेंगे और पानी को गर्म होने देंगे। और जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक हम केक टिन या फिर कोई स्टील का बर्तन ले लेंगे जिसमें हमें ढोकला स्टीम करना है। बहुत ज़रा सा तेल डालें और इसे ग्रीस कर लें। ध्यान रहे तेल का इस्तेमाल आप कम करें। तो यहाँ पर केक टिन को हमने तेल से ग्रीस कर लिया है। अब चलते हैं बैटर की तरफ। 20 मिनट यहाँ पर हो गए हैं। सूजी जो है अच्छे से फूल गई है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे सब्जियाँ। तो सब्जियों में मैंने लिया है प्याज, गाजर और बंद गोभी। सब्जियों को बारीक काट कर डालें। इसमें आप सब्जियाँ अपने पसंद के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। सब्जी आपको जो ज़्यादा पसंद है आप वो डालें और जो नहीं पसंद है उसे आप स्किप करें। तो सब्जी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं और अपने पसंद की सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं। सब्जियाँ डालने के बाद हम इसमें डालेंगे अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। तो ये मैंने 1 चम्मच अदरक हरी मिर्च का पेस्ट डाला है। इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर ये बैटर जो है मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। बहुत ज़रा सा पानी मैंने ऐड किया है। इसे मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। तो स्वाद के अनुसार नमक डाल दें। नमक डाल के सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। और अब सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे ईनो। तो ईनो आप ये ब्लू कलर वाला इस्तेमाल करें जो नॉन फ्लेवर्ड होता है। ये मैंने 1/2 चम्मच ईनो डाला। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसे एक्टिवेट करने के लिए। इसमें ऐसे बबल्स क्रिएट होंगे। इसे फटाफट से फेंट लें और केक टिन में स्टीम होने के लिए रख दें। ध्यान रहे कि ईनो डालने के बाद आपको इसे बहुत ज़्यादा देर नहीं फेंटना है, बस फटाफट से केक टिन में डाल के इसे स्टीम करने के लिए रख दें। ये प्रोसेस में आपको बहुत ही जल्दबाजी करनी है। ईनो डालने के बाद यदि आप बैटर को बहुत ज़्यादा देर के लिए छोड़ देंगे तो ईनो का एक्टिव पावर जो है वो कम हो जाएगा और ढोकला आपका फूलेगा नहीं। तो यहाँ पर बैटर को हमने केक टिन में डाल दिया है। इसे हल्का सा टैप कर दें और इसे फटाफट से स्टीम होने के लिए रख देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखें और मीडियम फ्लेम पर इसे 20 मिनट स्टीम होने के लिए छोड़ दें। तो यहाँ पर मैंने पैन को कवर किया। तो हमें यहाँ पर ढोकला को पकाते हुए कुल 17 मिनट हो गए हैं। पैन से ढक्कन हटा के इसे एक बार नाइफ से ऐसे चेक कर लें। यदि नाइफ एक्सट्रीम ड्राई निकल रहा है मतलब कि ढोकला हमारा अच्छी तरह पक गया है। तो यहाँ पर मुझे इसमें अभी भी थोड़ा सा मॉइस्चर लग रहा है, तो मैं वापस पैन को कवर कर देती हूँ और इसे 2-3 मिनट मीडियम फ्लेम पर और पकने देती हूँ। तो पैन को कवर कर दें और इसे पकने दें। तो यहाँ पर ढोकला को पकाते हुए हमें कुल 20 मिनट हो गए हैं। नाइफ से इसे ऐसे चेक कर लेंगे। ये देखिए, ये एक्सट्रीम ड्राई निकल रहा है मतलब कि ढोकला हमारा अच्छी तरह पक गया है। गैस का फ्लेम हम यहाँ ऑफ कर देंगे और इसे बाहर निकाल के थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर ये ठंडा हो गया है। अब हम इसे अनमोल कर लेंगे। तो जैसे हम केक निकालते हैं वैसे ही हम क्या करेंगे कि नाइफ से किनारे को ऐसे स्क्रैच कर लेंगे और उसके बाद इसे अनमोल कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, हमने इसे स्क्रैच कर लिया है किनारों से। अब हम एक प्लेट रखेंगे और केक टिन रख के इसे ऐसे फ्लिप कर देंगे। आप चाहें तो इसे हल्का सा टैप कर दें, बहुत ही आसानी से निकल जाता है। और ये देखिए, हमने इसे अनमोल कर लिया है। कितना सॉफ्ट लग रहा है और ये बहुत अच्छी तरह से पक गया है। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। बहुत ही आसान और टेस्टी रेसिपी है। हमने इसमें सब्जियाँ ऐड की है, प्लस हमने इसे कम तेल में बनाया है जिस वजह से ये और भी हेल्दी है। तो यहाँ पर इसे कट करने के बाद हम इसमें तड़का देंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे कट कर लिया है। चलते हैं अब तड़का बनाने के प्रोसेस में। तो उसके लिए पैन में 2 से 3 चम्मच तेल गरम करें। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा हम इसमें हींग डाल देंगे 1/4 चम्मच, 1 छोटा चम्मच सरसों डाल देंगे
और उसके बाद हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता और हरी मिर्च। तो जैसे हम बेसन का ढोकला बनाने के लिए तड़का जो तैयार करते हैं उसमें हम चीनी का भी इस्तेमाल करते हैं, इसमें आप चीनी का इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि हमने इसमें बहुत सारे वेजीज ऐड किए हैं तो ये वाला ढोकला नमकीन ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये तड़का हमारा बनके तैयार है, इसे हम ढोकले के ऊपर ऐसे स्प्रेड कर देंगे। तो बेसन का ढोकला बनाने के लिए हम चीनी और पानी का इस्तेमाल करते हैं ढोकला को स्पंजी बनाने के लिए, पर इस वाले ढोकले में आप चीनी का इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि हमने इसमें सब्जियां ऐड की है तो ये वाला ढोकला ऐसे नमकीन ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अब मैं इसे कट कर लेती हूँ और मैं आपको एक आध दो पीस निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक पीस मैंने निकाल लिया है और ये अब दूसरा पीस, ये देखिए एकदम सॉफ्ट बना है और ये ढोकला बहुत अच्छी तरह से पका है। ये देखिए, ये मैंने दूसरा पीस निकाला, ये देखिए एकदम सुपर सॉफ्ट बना है और ये अच्छी तरह से पका भी है। हमने इस ढोकले को बनाने में सब्जियां ऐड की है प्लस हमने इसे कम तेल में बनाया है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, हेल्दी है, टेस्टी है। यदि आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट कर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल भी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलें।